नमस्कार, मैं सुनर, आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोनभद्र के एक ऐसे गांव में जहाँ एकदम निहायती गरीब और पिछड़ा एरिया पड़ता है। ये सोनभद्र रेणुकूट के पास एक निहाय पाथर गांव पड़ता है। इस वक्त ग्राम पंचायत बिलाथी है, इसको ठाड़ पाथर भी कहते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ बताने का सिर्फ मेरा मकसद ये था कि इतिहास में पहली बार जब से देश आजाद हुआ है, पहली बार इस स्कूल पे पोलिंग हो रही है, वोट पड़ रहा है, पहली बार मतदान पड़ रहा है। क्योंकि ये गांव तो था लेकिन किसी गांव से सटा हुआ था, क्योंकि कोई टोला था। ये अब ये गांव बन चुका है, वो दूसरे गांव थे जो रेणुकूट वो मुर्धवा था गांव, वो अब नगर पंचायत में आ गया। नगर पंचायत रेणुकूट में शामिल होने की वजह से ये कट गया है, अब ये ग्राम पंचायत बिलाथे में आ गया है। तो पहली बार वोट पड़ रहा। आइए मैं और अंदर का दिखाता हूँ नजारा। ये स्कूल में था, यहाँ ये स्कूल है, इसी में आज वोटिंग पड़ा है। मेरा दिखाने का मतलब यह है कि ये स्कूल तो है यहाँ, इसका मतलब यहाँ जनता तो रहती है, वोटर भी रहते हैं, लेकिन यहाँ का विकास कुछ हो नहीं पाया आज तक। न तो यहाँ बिजली है, बिजली तो यहाँ आई है सिर्फ अमीरों के लिए पानी भेजने के लिए रेणुकूट, क्योंकि वहाँ से सिर्फ बिजली है। यहाँ फिल्टर प्लांट है, पानी का प्लांट है, यहाँ से पानी जाता है रेणुकूट, वहाँ के लोग पीते हैं पानी का लाभ, तो यहाँ के लोग भी उठा रहे हैं। लेकिन बिजली अभी तक नहीं आ पाई है, बिजली गांव में है लेकिन घरों में नहीं है। यहाँ पे मीटर तो लग जाता है कैसे भी, लेकिन बिजली किसी घर में नहीं आ पाई है। कोई भी व्यवस्था सुविधा जो होती है सरकार द्वारा, यहाँ पे लोगों को मिल नहीं पाता है। ऐसे में कई प्रधान आए गए, वो कुछ कर नहीं पाए इस गांव के लिए। तो हमारे साथ ऐसे में कैसे भी पूर्व प्रधान रहे हैं जो मेघनाथ पासवान थे, तो अब इनसे जानेंगे। पूर्व बीडीसी से पहले बीडीसी थे इसी गांव के, और उससे पहले भी ये प्रधान रह चुके हैं। प्रधानमंत्री अपना अधिकार समिति सचिव रहे। तो अच्छी सर ये बताइए, आपसे मैं जानना चाहूंगा इस गांव में अभी तक विकास क्यों नहीं हो पाया है। मैं देख रहा हूँ यहाँ के रास्ते नहीं, यहाँ के बेचारे लोग पैदल जाते हैं अपने गांव में नमक तेल हॉस्पिटल करवाने, बताइए क्यों नहीं हो पाया है। सर यहाँ का स्थिति जो है पहले नंबर पे, जो शासन प्रशासन को मैंने अवगत भी कराया, वहाँ हिंडाल्को जो मुदत की जो रास्ता थी, वो मुदत को रास्ता को हिंडाल्को मैनेजमेंट के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। प्रेशर जब जनता के पड़ते हैं तो आने जाने के लिए रास्ता रखा, मतलब टेम्परेरी रास्ता बना कर रखा है। इसके बाद वन विभाग की जमीन पड़ता है, वन विभाग कुछ काम करने नहीं देता है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जिस जगह मैं आ रहा था वहाँ निजी कंपनी हिंडाल्को अपना एक गेट बना कर रख लिया। ये भी पहली बार हो रहा है कि जब किसी गांव में जाने के लिए किसी के अंदर से गुजरना पड़ता है। यहाँ कोई रिश्तेदार या कोई भी आदमी कोई सामान लेके आए तो वहाँ पे चेक होता है कि आप तुम क्या अंदर लेके जा रहे हो, क्या नहीं लेके जा रहे हो, कौन हो कौन नहीं हो। एक गांव में आने के लिए होता है, हम रिपोर्टर हमको वहाँ रोक के पूछा जाता है भाई कहाँ जाओगे। अब इस गांव में मुझे रिपोर्टिंग करने के लिए आना होता है तो मुझे पता चलता है कि भाई बताता हूँ मैं वहाँ जाऊँ तो आने दिया जाता है। और सोचिए कि आम जनता को क्या हाल होता है, सबको रोका जाता है। जैसे एक नदी भी है, कुछ लोग यहाँ पे घूमने भी जाते थे, पर्यटक के स्थल पे आते थे, कुछ लोग का यहाँ विकास भी होता था, कुछ दुकान भी रहती थी चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बंद हो चुका है। वैसे भी ये लोग गरीब आदमी में है कि सर जो है कि इससे संबंधित इस गांव के लेकर के शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन सरकार द्वारा जो है कि इस गांव के प्रति कोई उस तरह से सहूलियत नहीं दी गई। धरना प्रदर्शन के लिए नोटिस दिया गया, बिजली के लिए बिजली की सुविधा के लिए क्या रास्ता के लिए लिखा पढ़ी करके दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब सुझाव या सहूलियत नहीं दी गई। रह गई बात कि वो जो है आवास से संबंधित, केवल यहाँ आवास दिया जा चुका है, पानी के टंकी के सप्लाई जो कि गांव मुधवा में दिया जा रहा है यहीं से बना है, लेकिन बिजली यहाँ घर घर जो है कि नहीं दिएगा। केवल यहाँ पर केवल एक विद्यालय बड़े मुश्किल से, यह काश्तकार एक सुखनाथ खरवार हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया गया तो वो जमीन उपलब्ध कराए हैं, और 4 बीघा जमीन था गांव सभा का तो वहीं पर पानी वाटर प्लांट जो है लगाए गए हैं, लेकिन और सब मूलभूत सुविधाएं से सारे जो वंचित होने के, यही कारण है कि पहला नंबर पे हिंडाल्को मैनेजमेंट वाला जो मुदत का जो रास्ता है आज भी नक्शे में विराजमान है, लेकिन तब रह गया कि हिंडाल्को उसको अतिक्रमण कर रखा है। बार बार उसका लिखा पढ़ी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई गवर्नमेंट वो एक्शन आज तक ली ही नहीं गांव वाला के प्रति, या हिंडाल्को के प्रति कोई कार्रवाई आज तक की ही नहीं, जिसके वजह से रास्ता के
निकास न होने को जैसे ही गांव के सारी विकास जो है सुविधाएं रोक दी गई है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। आप इस गांव से ग्राम पंचायत से प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ अभी तो वोटिंग खत्म हो चुकी है, दो तारीख को किस्मत जो भी होगा वो फैसला होगा। आप जीत जाएंगे तो क्या इस गाँव का जो नहीं हो पाया पिछले सरकारों नहीं कर पाई पिछले प्रधानों ने आप करेंगे? हाँ, ये मेरा वादा है, यही फंडा है मेरा कि इस गांव का जो है कि सबसे बड़ी चीज कि पहले ये वित्तीय पावर जिसके हाथ में रहे वही सुप्रीम रहा है। वित्तीय पावर बीडीसी वालों को जो है कि हाथ में है नहीं, केवल रिक्वेस्ट ही रहा है, जिसके वजह से गाँव का जो है कि विकास जो है कि नहीं हो पाया रास्ता घाट से संबंधित, जिसके वजह से आज जो है कि विकास विहीन बना हुआ है ये हमारा गांव सभा। ये पहला नजर में हमारा ये गांव है। क्योंकि तो आप कह रहे हैं कि यदि मैं जीत जाता हूं तो तारीख को मेरा बहुमत आ जाता है जी, तो आप इस रास्ते को बनाने के लिए आप संघर्ष करेंगे? हाँ, संघर्ष। हाँ, यहाँ हाँ। पे जो समस्याएं रुकी हैं, जो भी नहीं मिल पाती है सरकारी सुविधा, आप दिलवाने का काम? हम दिलवाने के काम भरपूर करेंगे और ये हमारा प्रयास रहा है। मतलब शासन को लिखा पड़े किया है धरना प्रदर्शन सब कुछ करने के लिए। तहसील दिवस पर चार चार बार जो है लेकर के गाँव के लोगों को लेकर के यह है धरना प्रदर्शन से सब कुछ किया गया है। ये मेरा पहला मुद्दा है। अगर ऐसा संजोग अगर बैठ गया ईश्वर के दया से जो है कि अगर सत्ता मेरी आई तो प्रथम मुद्दा ये रहेगा कि रास्ता इसको बनवा करके ही रखें। ठीक है, धन्यवाद आप इस खास समिति में बात करने के लिए। वही चीज बताया हूँ उनको, जो आप बोलो वही चीज बताया होगा। ड्राइवर कहाँ गया हो? बैठिए गाड़ी में।